ईगो आती है और 50 चीज़ें आती हैं, लोगों की खुद की नीड्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो रिलेशनशिप ख़राब कर देती हैं। पहला गाना बनाया, लोगों को लगता है हिट हो गया, दूसरा गाना बनाया ऐसा हो गया, तीसरा बनाया ऐसा हो गया, तो वो देखने में तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, बट मेरे साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। मुझे एक एक कण, एक एक माइक्रो सेकेंड बिल्कुल अपने हिसाब से चाहिए कि वो ऐसा ही है और यही होना चाहिए। सो हेलो एंड वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस चंचा। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें बड़ा गाना वाकई अच्छा है, लोग इतना प्यार कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? धन्यवाद धन्यवाद कहना चाहेंगे। और काफ़ी, मतलब जिस इंटेंट के साथ बनाया था कि लोगों को जो बात समझ आए वो समझ आ रही है, तो आई एम वेरी हैप्पी। राइट, एंड अगर बात करूँ ये सॉन्ग की, तो ये काफ़ी अलग है बाकी सारे जो गाने देखे से, तो क्या कुछ इस गाने के लिए आपके जहन में आता है, एंड हाउ दिस कॉन्सेप्ट पूरा आया? ये काफ़ी ज़्यादा ड्रिवन है कि जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स देखते हैं कि भाई ईगो आती है और 50 चीज़ें आती हैं, लोगों की खुद की नीड्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो रिलेशनशिप ख़राब कर देती हैं, तो वो चीज़ों को देखते देखते ये गाना बनाया था कि आपकी अपनी नीड्स अगर फुलफिल्ड नहीं है तो आप किसी और इंसान के साथ ना रहें तो बढ़िया है। पहले आप अपने आप को पूरा करिए, फिर उसके बाद दूसरे आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसके बाद जो कहानी करनी होती है, जैसे रहना होता है, उसके बारे में पूरा गाना। राइट, एंड जैसे कि अभी आपने कहा कि रिलेशनशिप के ऊपर है कि आजकल मतलब जिस तरीके से चल रहा है, तो आपका भी, आपके साथ भी क्या कुछ ऐसा हुआ था, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट जो नहीं आपने नहीं इस गाने में डाले? देखिए, मेरा रिलेशनशिप, लड़का लड़की वाला रिलेशनशिप मेरी जिंदगी में ऐसे मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है कुछ। मेरे रिलेशनशिप नॉर्मल ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप मेरे बहुत ख़राब भी हुए हैं, बहुत अच्छे भी हैं, और सब चीज़ें हुई है, तो उनकी समझ और ये समझ एक ही बराबर है, तो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। तो उनसे मैंने सीखा है ये सारी चीज़ें जो भी इसमें बात हो रही है। राइट, एंड जैसे कि आपने कहा कि अब तक की अगर मैं आपकी जर्नी आपसे ही पूछूं, तो आप किस तरीके से अपनी जर्नी डिस्क्राइब करते हैं? वेरी इजी एंड वेरी डिफिकल्ट। लाइक मतलब बहुत, जो लोग कोशिश करते हैं कि एक मुकाम पे पहुंचना है, मुकाम पे पहुंचना है, वो चीज़ मेरे लिए बहुत आसान थी। मे बी बिकॉज मेरे को वो कुछ करना ही नहीं था ऐसा, वो सिर्फ एक उसका फल कह सकते हैं आप, नॉट द प्रायोरिटी, उन सारी चीज़ों का फल था जो काम मैंने करा, बट वो फल भी मेरे लिए फूल नहीं था, करना कुछ और था, जो करना था वो भी हो गया। वो करने में काफ़ी मेहनत लगी और काफ़ी मुश्किलें भी आई, तो जो था कहानी बनाना, कहानी बना के उन सब चीज़ों को वैसे ही एग्जीक्यूट करना जैसे सोचा गया है और उसी तरीके से सबके सामने लाना, उन चीज़ों में काफ़ी मेहनत और काफ़ी मुश्किलें आई है। बाकी सब तो बहुत ही आसान था, मतलब पहला गाना बनाया, लोगों को लगता है हिट हो गया, दूसरा गाना बनाया ऐसा हो गया, तीसरा बनाया ऐसा हो गया, तो वो देखने में तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, बट उसके पीछे काफ़ी मेहनत है। बट वैसी स्ट्रगल नहीं थी मेरी कोई कि मैं बहुत समय से कुछ मुकाम चाह रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, मुझे ऐसा कुछ नहीं। राइट, एंड इसके अलावा आज की अगर मैं बात करूँ, तो आज हम देखते हैं किंग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी सारे हैं, तो ये कंपटीशन को आप किस तरीके से देखते हो? बिकॉज एक वो दौर था जब कंपटीशन कंपटीशन जैसे नहीं था, लेकिन आज के काफ़ी ज़्यादा हो गया है। देखो, मैं अब ये ओलंपिक्स की तरह आप ट्रीट करोगे कलाकारों तो सही नहीं है, मतलब कोई कंपटीशन नहीं है। जितने कलाकार हों, जितनी तरीके की चीज़ें हों, एंटरटेनमेंट में, समझाने में, इमोशनली, कुछ भी एक्स वाई जी चीज़ हो, उतने ज़्यादा बढ़िया है। और जितने अच्छे कलाकार हो हमारे देश में, उतनी हर चीज़ के लिए वो बढ़िया है, इवन GDP, मतलब। तो इसमें कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है। मेरे भाई ने खुद से मुझे मैसेज करा कि भाई इतने प्यार से, राम राम भाई, ये वो आपका गाना सुना, ये वो सारी चीज़ें हुई, मतलब। तो इसमें कॉम्पिटिशन कैसे, मेरे लिए सिर्फ मन में प्यार है उसके लिए, और आई हैव ब्लेस्ड हिम, मेरे से शायद उम्र में छोटा ही है वो, तो मैं उसको तब भी बोला था, मैं कहा भाई खूब तरक्की करो भाई, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करो, और उसने करी है वो, मतलब मेरे से अभी वो काफ़ी अच्छे मुकाम पे, अगर आप मुकाम की बात करें तो मतलब गुड एंड गुड। तो कंपटीशन का तो कोई इसमें बात ही नहीं होती है। राइट, आज भी लोग एक रात गाने को मतलब आपको एक टैग मिल गया है, आज भी लोग उसी गाने से कहीं ना कहीं आपको रिकग्नाइज करते हैं, सो कैसा लगता है उस वक्त की, मतलब एक गाना जो अचानक से इतना लोगों ने पसंद किया, लेकिन वही छाप छोड़ गए हैं, इसके बाद भी इतना करे, लेकिन आज भी उस गाने से लोग कहीं ना कहीं आपको याद रखते हैं? मतलब अच्छा ही लगता है, वो भी एक
मेरी ही बनाई हुई चीज़ थी और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से और दिल से बनाई हुई चीज़ थी, और वो इतनी छोटी चीज़ है भी नहीं कि उसको आसानी से भुला देंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट थी और काफ़ी लोगों के लिए भी वो बहुत इम्पोर्टेंट गाना है। तो अगर कोई इम्पोर्टेंस मिलती है किसी भी शेप एंड फॉर्म में तो मैं उसको गलत तो नहीं समझूंगा, अच्छा ही है मेरे लिए। एंड अब तक की अगर मैं पूछूँ तो एक ऐसा सॉन्ग जो आपका बहुत जल्दी बन गया और एक ऐसा सॉन्ग जिसके लिए काफ़ी वक्त लगा हो, तो वो दोनों कौन से गाने हैं? राता गाना था जो 6 मिनट में बन गया था तो काफ़ी ज़्यादा ही जल्दी बन गया था। बट दूसरा चिड़िया, एक रात, सावन, रावण, इन सब में बहुत ज़्यादा समय लगा था। क्यों ढूंढे में भी काफ़ी समय लगा था। तो ये वो गाने हैं जिनमें 6-6 महीने भी लगे हैं, एक रात में 1.5 साल लगा है, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था। राइट एंड लोगों को बस गाना दिखता है, लेकिन वो गाने के पीछे जिस तरीके की मेहनत होती है, हार्डवर्क होता है, वो लोगों को दिखता नहीं है। लेकिन उसको आप किस तरीके से डिफाइन करते हो, उसको आप कैसे बोलोगे कि एक गाने को लाइक प्रॉपरली बनने के लिए, जैसे कि हम देखते हैं आजकल तो लोग ऑटो ट्यून और ये सब यूज़ करते हैं, एक रात में भी बना देते हैं, तो आपके हिसाब से अगर डिस्क्राइब करना हो रियल म्यूज़िक तो वो किस तरीके से आप डिस्क्राइब करोगे? देखिए इसमें समय का ज़्यादा रोल है नहीं। अगर आप 5-10 मिनट में कोई चीज़ बना रहे हैं इसका मतलब ये नहीं वो वेस्ट है। ऐसा बस ये है कि हाँ हर तरीके की चीज़ के लिए नीड्स अलग होती हैं। जैसे राता अच्छा गाना है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो 6 मिनट में बना हुआ है। आप 6 मिनट के हिसाब से वो बढ़िया गाना है, और लोगों के लिए जो मतलब उस तरीके के गाने को कंज्यूम करते हैं, कईयों का फेवरेट गाना वो है, तो उसके लिए टाइम मैटर नहीं करता। ये तो एक कलाकार की खुद की इच्छा होती है कि वो उसको किस तरीके से परफेक्ट करना चाह रहा है। मेरे साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, मुझे एक एक कण, एक एक माइक्रो सेकेंड बिल्कुल अपने हिसाब से चाहिए कि वो ऐसा ही है और यही होना चाहिए, तो मुझे समय ज़्यादा लगता है। करता मैं सारी चीज़ें खुद हूँ, कई लोगों की प्रोसेस में हर एक आदमी अलग चीज़ अलग जॉब कर रहा है, तो वो चीज़ें सब अपनी अपनी जॉब करते हैं और बहुत जल्दी बन जाती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी बन जाती हैं। वो सब मैं कर रहा हूँ, मुझे इसलिए समय ज़्यादा लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छी आर्ट के लिए समय बहुत एक प्राइम फैक्टर है, बट फैक्टर तो है थोड़ा सा। राइट एंड वेल, इसके आगे और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? इसके बाद अभी इस साल आई गेस 2 या 3 और गाने आएंगे, जिनमें से काफ़ी डाइवर्स होंगे वो। एक थोड़ा सा इंडियन ज़्यादा होगा, एक थोड़ा सा अपना जो पुराना अमेरिकन रॉक वाली साइड, सॉफ्ट रॉक उस तरीके का होगा, एक होगा बिल्कुल ही हिप हॉप पंजाबी डांस तो हर तरीके की आर्ट की कोशिश करता हूँ मैं। बट वही है कि बाकी लोगों का काम है कि जो उनको ज़्यादा पसंद आ रहा है वो करे कंज्यूम। राइट एंड आपका फेवरेट जॉनर पूछो तो, जो आप गाते तो हर जॉनर में, लेकिन खुद सुनना कौन सा ज़्यादा पसंद करते हैं? मेरे को लिटरली सारे जॉनर पसंद है, मतलब जेन्युइनली मैं इसमें कोई कुछ दूसरी मेरा इच्छा नहीं है बताने की, मेरे को जेन्युइनली सारे जॉनर पसंद है। मैं खुद से बनाता भी बहुत सारे जॉनर हूँ। लोग सुनना पसंद करते हैं ये वाला जॉनर मेरा, जो एक रात चिड़िया वाला जोन है, बट मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रावण वाला जोन है, मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट ऑफ जो गाना था वो वाला जोन है, और क्या कहते हैं जवानी था, कार्य हथियार है, सब इम्पोर्टेंट है, और मतलब सभी करने की इच्छा, और मैं सब करूँगा अभी, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है कि उन्हें वो सुनना वो भी होएगा, बट ये सब भी होगा। राइट वेल, क्या कुछ मैसेज लास्ट लेना देना चाहते हैं अपने फैंस एंड व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं? तो बस यही है कि यार अपना खुश रहो, और खुश रहने की मतलब कोशिश करना छोड़ के एक चॉइस है खुश रहना, चूज करो, समझो इस बात को कि क्यों चॉइस है, कैसे चॉइस है, बट ये चॉइस है, ये मैं बता रहा हूँ फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ये करने की कोशिश करोगे आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया और खुशहाल रहेगी, और अपने बारे में इतना सोचो मत कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, दुनिया नहीं